अब मेरी गुजारिश है कि हमारे मेहमान जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। अशरफ भाई साहब, मैं जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब को इनकी तारीफ और करना ऐसा है कि जैसे सूरज के सामने दिया रखना है। मीरा रोड में इन्हें कौन नहीं जानता, अतराफ में कौन नहीं जानता, तो मैं बिला किसी तमहीद के मैं इनको पुकारता हूँ, जनाब सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब आप तशरीफ लाएं और अपनी जरूरी ख्यालात पेश करें। जमात सलमानी ट्रस्ट का ये सालाना जलसा, डायस पर मौजूद जनाब खैरुल बशर साहब, डॉक्टर मेहंदी हसन सलमानी साहब, जेडी सलमानी साहब, अब्दुल कादर सलमानी, मकसूद हसन सलमानी साहब, बख्तियार सलमानी, तौफीक हसन सलमानी, असलम बर्मी साहब, मोहम्मद वजीउद्दीन साहब, राकेश विश्वकर्मा जी, अमित तिवारी जी, राज्य तिवारी जी, कमल मिनाई जी, हमारे जूनियर दोस्त फारूक आजम साहब, डॉक्टर राणा, कॉर्पोरेटर जुबेर इनामदार, एडवोकेट ऐसे खान, अशरफ भाई, यहां मौजूद तमाम मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सालाना आपका ये जलसा होता है और आज मुझे इस जलसे में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं तमाम आप लोगों का, ट्रस्ट के सारे पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं। राज्य तिवारी साहब का आपने यहाँ पे सत्कार किया, हमारे कॉर्पोरेटर अशरफ भाई का सत्कार किया, राज्य को मैं कह रहा था कि आपके नाम में राज भी है और देव भी है, मगर आज राज्यकर्ताओं के ऊपर देव की नजर कुछ अलग भी है। इनकी हमेशा मैं मजाक करते रहता हूं, जूने दोस्त हैं, और हमारे अशरफ भाई जो कॉर्पोरेटर है तो उनको मैंने तो लकब दे रखा है, आज पब्लिकली कह देता हूं, अल्लाह उम्मा हजरत मौलाना अशरफ शेख अहमद नगरी। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि पंच वक्ता की नमाज अलग अलग मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको हमको सबको जो है नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सभी मस्जिदों में जाकर के वहां जो भी मुश्किलात होती है उसे हल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हंसी मजाक में हमने इनको इतना बड़ा लकब दे रखा है। आज तक हम प्राइवेट में कहते थे, आज पब्लिक हो गया है। ओबीसी के वो है, मगर ओबीसी वार्ड से लड़ने के लिए बोला तो नहीं लड़े, जनरल वार्ड से लड़े, तो ये माहौल है कौम में भी लोगों में भी कि भैया हम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, एक थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है, मुल्क में एक अलग सा माहौल चल रहा है। और मैं अक्सर जहां भी मौका मिलता है तो ये कहता हूं कि ये सियासत है और ये सियासत ऐसी है कि आज आकर के निशाने पे सिर्फ आप और हम रहते हैं हर वक्त। मैं चाहे किसी भी पार्टी का हूं, मगर जब भी कहां भी कौम के ताल्लुक से बात होती है तो मैं बात अपनी बहुत ही साफ सुथरी रखता हूं कि आपको हमको अगर तरक्की करनी है तो हमको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। कोई सियासी पार्टी, कोई लीडर आपको हमको तरक्की के रास्ते पे नहीं ले जा सकता जब तक के आप और हम अपनी तालीम मुकम्मल ना करें। और तालीम सिर्फ दुनिया की तालीम नहीं तो दीनी तालीम भी साथ, यहां उलमा मौजूद है, और दीनी तालीम के ताल्लुक से भी मैं ये कहता हूं कि सिर्फ रट लेना वो तालीम नहीं होती, उसे समझना और अपने जिंदगी में उसे अमल करना वो तालीम है। और अगर आज पूरी दुनिया में
आपके और हमारे हालात अगर बिगड़े हैं और खराब हैं, ये तो कुरान शरीफ में भी बताया, हदीस भी है कि ये आखिरत का वक्त है कि इतने मरोगे, इतने कटोगे, इतने बांटे जाओगे, इतने तकसीम होगे, तो ये आखिरत की निशानी है। अगर हमें अपने दीन की मुकम्मल मालूमात अगर होगी तो हम भटकेंगे नहीं, ये आखिरत के वक्त में भी हम भटकेंगे नहीं, हम अपनी राह पे कायम रहेंगे। और राह पे कायम रहने के लिए मैं फिर दोहराऊंगा, दो ही चीज जरूरी है, तालीम, जिसने पढ़ लिया उसने अपनी जिंदगी सवारी और कौम की जिंदगी सवारी, मुस्तकबिल सवार। आपके सलमानी हलके में बच्चियों की तालीम बहुत कम है, मैं ये कह रहा था कि आपके हलके में बच्चियों की तालीम में बहुत पीछे, उस पर गौर करने की जरूरत है। अशरफ भाई ने ओबीसी सर्टिफिकेट के ताल्लुक से आपको बताया, वो करने की जरूरत है, वो एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, मगर जब तक के बच्चियों की तालीम आपके हलके में नहीं होगी तब तक के आपको इसी तरह से हम ओबीसी है, सर्टिफिकेट, डिस्काउंट, कंसेशन, सब्सिडीज, ये सोचते रहना पड़ेगा। अपने आप को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए आपको तालीम की जरूरत है। मैं यहां पे पढ़ रहा था आपकी इस किताब में, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम से कम ये सोच तो उन्होंने लिखी कि हम एक सलमानी यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं। आप आईएएस के कोचिंग के क्लास चलाते हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आईएएस की कोचिंग के क्लासेस हमदर्द यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ मसला सिलसिला और महाराष्ट्र तक के पहुंचा, हज कमेटी में होता है, सभी जगह होता है। सैयद हामिद साहब जो थे वो हमारे खानदान के बड़े ही अजीज और हमारे वालिद साहब के बहुत ही नजदीक के दोस्त थे, और हमने जो भी दीनी इदारे तामीर की या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तामीर की वो सारे उनकी जेर निगरानी में और उनके मार्गदर्शन में हमने करे। और ये बहुत खुशी की बात है जब हम पढ़ते हैं कि कई मदरसों से जो बच्चे फारिग हुए आज वो आईएएस और आईपीएस में बेहतर मार्क ला रहे हैं। हमारे कौम में एसएससी का जब रिजल्ट आता है, एचएससी का रिजल्ट आता है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आता है, तो हम देखते हैं बच्चों से ज्यादा बच्चियां मार्क्स लाती हैं। और इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आपके हलके में बच्चियों की तालीम का परसेंटेज कम है, उसे बेहतर बनाने का काम आपको करना है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि एक बच्ची पढ़ेगी 10 पुस्तकों को पढ़ाएगी, 10 पीढ़ी पढ़ेगी आपको, 10 पीढ़ी तालीम हासिल करेगी, और 10 पीढ़ी का मतलब होता है 200-300 साल। आप देख लीजिए पीछे कि जब से हमने तालीम से, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम से मुंह मोड़ा है, पिछले 500 सालों से दुनिया हमको अपने जूते की नोक पे रखी हुई है। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ यह संदेश देना चाहूंगा कि कौन कितना कमाता है यह जरूरी नहीं, एक रोटी कम खाइए, शादी ब्याह में पैसे फिजूल मत बर्बाद कीजिए, मगर बच्चों को तालीम दीजिए, बच्चियों को तालीम। आप लोगों की मैं कमाल भाई के मिनाई साहब की भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमेशा कोई ना कोई इस तरह का प्रोग्राम वो छोटा मोटा सियासी सामाजिक करते रहते हैं, और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको अवार्ड से जो है नवाजते रहते हैं। कई सालों से वो ये मुकम्मल काम करते चले आए हैं। मैं क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं मैदान भाई के चुनाव है और हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है, अपनी तकरीर यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।